नमस्कार, आप देखें 99 न्यूज, जैसे सचिन साहब तौर से देख सकते हैं, झरिया विधानसभा क्षेत्र से दिग्गज जो मासस के नेता थे रुस्तम अंसारी, वो नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं जेएल के एम जयराम महतो की जो पार्टी है उससे वो नामांकन दाखिल करने जा रहे थे। तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं कि रुस्तम अंसारी हैं, वो आए हुए हैं। हम भी उनसे बात करेंगे और बताएगा रुस्तम जी, झरिया से इस बार लड़ रहे हैं चुनाव, क्या कुछ मुद्दा रहेगा आपका? मुद्दा देखिए, झरिया में तो एक बोल रहे तब न बतावे, आने के मुद्दा है। झरिया के लोग की स्थिति ये है कि वैसे लोग वहाँ रह रहे हैं जिनके पास घर बनाने का पैसा नहीं है, माने खाने को पैसा नहीं है, तो इसलिए वहाँ मुद्दा का मत बात पूछिए। वहाँ एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि जो यहाँ के लोकल लोग हैं जिनकी जमीन है, बीसीसीएल ने जबरदस्ती का कब्जा कर लिया है, वो बहुत बड़ा एक बेटर चीज़ है। दूसरा बात कि शिक्षा का दिक्कत है, आप जान ही रहे, आप लोगों से कुछ छुपा नहीं, चूँकि इसी शहर के आप लोग भी पत्रकार बंधु हैं, मेरा सबको सादर प्रणाम भी है। हम इस चुनाव के बाद खुद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, इंशाल्लाह उसमें सारे सवाल का जवाब हम देंगे, और मुद्दा तो एक नहीं अनेक है। मासस के पुराने कद्दावर नेता थे, जेएल के एम पार्टी से टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं, क्या मजबूरी आन पड़ी? देखिए, जेएल के एम पार्टी में हमको आप नज़र आया, साफ साफ बात, सच्चा पर लड़ना, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना, बेरोजगारी की समस्याओं के पीछे आवाज़ उठाना, हमको मेरा जो सुप्रीमो है जयराम महतो जी बहुत पसंद है, उनके साथ काम करने वाले जो लोग टीम है वो हमको बेहद पसंद है, इसलिए हमने इस उम्र में उनके साथ गया। कांग्रेस और भाजपा दो बड़ी दिग्गज पार्टी वहाँ पे, हमेशा वो लोग आदान प्रदान होते हैं सीट को लेकर, आप अपने आप को कहाँ पा रहे हैं वहाँ पर? तो हम एक नंबर पा रहे हैं भाईजान, हम नहीं चुनाव लड़ रहे हैं, झरिया की जनता चुनाव लड़ रही है, और सारे जात का हमारे पास वोट है, और इंशाल्लाह देख लीजिएगा इस बार खेला होबे। कुछ दबाव भी है क्या? दबाव तो बहुत है, दबाव देखिए डायरेक्ट ताकत से तो रुस्तम अंसारी कोई दबाव नहीं रख सकता, मेरा बाप रुस्तम नाम रखा है, सोच करके प्यार से आ करके वार्ता किए लोग हमसे, हमने बोला भैया खाली आप ही लोग, दूसरा कोई नहीं, तीसरे के यहाँ जगह नहीं है, तीसरा इस बार जनता खोज रही है, साफ साफ बात। रुस्तम जी हैं जो प्रत्याशी हैं, वो झरिया से परम मुद्दा है और चुनाव लड़ रहे हैं। बंटी जी हैं, उनके पुत्र हैं, लगातार ये भी सक्रिय रहते हैं, और बताइएगा, पापा चुनाव लड़ रहे हैं जयराम महतो की पार्टी, काफ़ी पुराना इनका वजूद था मासस में, एक राजनीतिक कहीं ना कहीं इन्होंने अपना कदम उठाया है, क्या कुछ कहिएगा? देखिए, मासस बिल्कुल अच्छा पार्टी था, और मासस भाकपा माले में विलय होने के कारण हम लोग ये डिसीजन लिए कि हम लोग उस पार्टी को छोड़े, इसलिए कि भाकपा माले गठबंधन में, और फिर वही कांग्रेस प्रत्याशी को समर्पित है, और इसलिए हम लोग पार्टी छोड़े कि फिर वही दोनों घराना एक है, नाम चोला बदला हुआ है, आउटसोर्सिंग, रंगबाजी, कोयला, लोहा, और झरिया की जनता से दोनों घराना प्रत्याशी को कोई मतलब नहीं है, इसलिए नया सवेरा के लिए, नए सोच के लिए हम टाइगर के साथ हम लोग, हमारे फादर आए। चुनावी टक्कर दीजिएगा दोनों घरानों के साथ? टक्कर हम नहीं देंगे, झरिया की जनता देगी, और वो झरिया की जनता देगी, वो बालू खाने वाला पैसा को मुँहतोड़ जवाब मिलेगा, वो आउटसोर्सिंग के पैसा खाने वाले को मुँहतोड़ जवाब मिलेगा, लोहा पैसा खाने वाले रंगबाजी लोग के मुँहतोड़ झरिया की आम जनता वो जवाब देगी। देखिए, बंटी जी थे रुस्तम अंसारी के पुत्र, और झरिया विधानसभा से इस बार रुस्तम अंसारी जो है जे एल के एम पार्टी के प्रत्याशी बने हैं, और वहाँ पे वो जीत का दावा कर रहे हैं, तो फिलहाल अभी नामांकन करने वो जा रहे हैं, और चुनावी नतीजा क्या निकलेगा झरिया को तो देखने वाली बात है, लेकिन कुल मिलाकर तो रुस्तम अंसारी ने मासस पार्टी छोड़कर जे एल के एम के प्रत्याशी बने हैं, अब देखने वाली बात है कि झरिया में जो मुकाबला जो रुस्तम अंसारी के उतरने से वो ना कहीं ना कहीं एक त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। तो फिलहाल आपको लगातार अपडेट 99 न्यूज अपने सारे रिपोर्टरों के माध्यम से लगातार देख रहा है, आप 99 न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, 99 न्यूज के सहयोगी जदीप के साथ मैं दिलशाद खान।